हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग। पहले हमने देखा क्या है वायर, फिर उसके बाद हमने देखा लूप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में हमने देखा था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग वायर है तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पहले ही मैं बता चुका हूँ, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, है ना, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने ये बताया था इसके जब हम क्या पढ़ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर क्वाइल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, जब हम देख रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है ना, करंट कैरिंग क्लोज लूप है या करंट कैरिंग क्या है क्वाइल है, तो क्या करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या करता है बिहेव करता है, क्या करता है, एनी करंट कैरिंग क्वाइल इज बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। आई मीन उसमें डाइपोल आपको भी मालूम है, आई मीन ये क्या होता है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक नॉर्थ पोल एक जगह एग्जिस्ट होता है और दूसरे जगह क्या होता है साउथ पोल एग्जिस्ट होता है। और मैंने ये बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है क्या होता है करंट इंटू एरिया वेक्टर, अब तक क्या होगा लूप होगा। और हमें ये नहीं बताया था कि यदि आपको क्या करना है एरिया वेक्टर देखना है तो देखो एरिया वेक्टर आपको देखना है तो ऐसे लूप रखा हुआ है ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में फोल्ड करो तो एरिया वेक्टर जो होगा ऑलवेज क्या होगा लूप के एक्सिस के अलोंग होगा, ये याद रखना है। क्या होगा एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द क्या होगा एक्सिस ऑफ द लूप, या आई मीन क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ऑलवेज एक्सिस ऑफ द लूप के अलोंग होगा। तो अब मैग्नेटिक यदि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल क्या हो एन हो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है एन आई इंटू क्या होता है ए होता है। एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट इन द लूप या करंट इन द क्वाइल, और ए क्या है एरिया बाउंडेड बाय द क्या होगा लूप या एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप, क्लोज लूप लिखना, करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका एक कैसे आता है मैं नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं कि जब भी क्या होगा किसी भी ये देखा गया है कि नेट टॉर्क या टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या किस क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाइल इन द क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है डिपेंड करता है। ये देखा गया कि टॉर्क ऑन दिस, ये हमने क्या किया यहाँ एक क्लोज करंट कैरिंग लूप कंसिडर किया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर है और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है इधर है, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। यहाँ भी हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना है लूप का है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा एन आई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे टॉर्क जो लगेगा वो क्या होगा एम क्रॉस क्या होगा बी होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देंगे तो वहां टॉर्क क्या लग रहा था, टॉर्क क्या लग रहा था पी क्रॉस ई लग रहा था, क्या लग रहा था पी क्रॉस ई। उसी तरह यहां जो टॉर्क होगा वो क्या होगा एम क्रॉस क्या होगा बी होगा। एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एंड बी क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क आपको ही मालूम है कि टॉर्क का यूनिट क्या होगा, अब देखो क्या है कि टॉर्क ऑन क्या होगा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा यहां से आप बता सकते हैं। ठीक है, आज हम
पढ़ जाएंगे तो आप एचसी वर्मा का मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओगे, है ना, खुद से। तो ये क्या है कि हम लिख सकते हैं यहाँ से देखो कि टॉर्क क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। तो टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कैरिंग क्लोज लूप डिपेंड ऑन, या यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाओ फिर हम बाद में लिखते हैं। तो टॉर्क ऑन द लूप क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन द लूप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, है ना, एम क्या होगा, एम बी साइन क्या होगा, थीटा। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। यहाँ से आप डायरेक्शन भी देख सकते हो, एम क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क ऑन द क्या होगा लूप इज मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन आई ए बी क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टॉर्क ऑन करंट करंट कैरिंग कैरिंग लूप डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो ध्यान से, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप डिपेंड ऑन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, बी पे क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज क्या होगा, दैट इज एन आई क्या होगा ए एंड सी जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल एंगल बिटवीन एम एंड क्या होगा, क्या होगा एंगल बिटवीन क्या होगा, एम एंड बी आई मीन क्या होगा कि थीटा पे भी क्या होगा डिपेंड करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, थीटा पे भी क्या होगा डिपेंड करेगा ठीक है, ये चीज इस पे क्या होगा डिपेंड कर सकते हैं। टॉर्क जीरो कब होगा आपको भी मालूम है कि क्या होगा, व्हेन एवर मैग्नेटिक फोर्स इज, यहाँ हम नोट में लिख सकते हैं आगे हम देखेंगे ठीक है, आई मीन क्या होगा थीटा। अब यहां से आप देख सकते हो कि टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, आई मीन टॉर्क क्या होगा जीरो कब होगा, टॉर्क विल बी क्या होगा जीरो, है ना, यहाँ लिख सकते हैं नोट में, देखो लिख सकते हैं, तुम बता सकते हो कि टॉर्क जीरो के पहले यहाँ लिख रहे हैं नोट में क्या लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज, यहाँ लिख देंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम is always along the axis of current carrying क्या होगा close always क्या होगा axis के along lie करेगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, करंट कैरिंग क्या है, क्वाइल है, क्वाइल है, देखो करंट कैरिंग क्या है, क्वाइल, यही क्या है इसका एक्सिस है। तो यहाँ देखो यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा मैग्नेटिक, यही होगा, है ना, किधर होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड। यहाँ आप देख सकते हो कि यदि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है क्या है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है इस केस में, तो अगेन यहाँ जब देखोगे
यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इन टू द क्या होगा, लेकिन ऑलवेज क्या होगा, एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। सिंपल, ये जस्ट माइंड में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि क्या होगा, ये जस्ट याद करने के लिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, केवल क्या होगा, ऑलवेज याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, दैट इज क्या होगा, लूप के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है। तो हम करंट के डायरेक्शन में अपना क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रखेंगे और फिंगर को किधर करेंगे, करंट के डायरेक्शन में, तो एम का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ये चीज याद रखना है ना, ये बताया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, कि यहाँ लिखेंगे कि वेन क्या होगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में क्या लिखेंगे कि वेन क्या होगा, वेन वेन मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन ऑफ द लूप क्या होगा, देखो वेन मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, टू द लूप, देन क्या होगा, देन टॉर्क ऑन द लूप, ऑन द लूप मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी जीरो। ठीक है, जब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, लूप के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है और इनवर्ड हो सकता है। उस केस में जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क जो होगा लूप पे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो यहाँ, तो यहाँ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एम इस केस में क्या होगा, एम इज आइदर क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी, और क्या हो जाएगा, एम इज एंटी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस केस में समझ में आना, इस केस में क्या होगा, एम जो होगा आइदर एम और बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। तो इसलिए टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टॉर्क ऑन द लूप। और ये आपको अभी यहाँ मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना है कि जब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होता है ना, तो टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, क्या होता है, इनडिपेंडेंट, चॉइस ऑफ ओरिजिन से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। किसी के अबाउट आप क्या कर सकते हो, टॉर्क लिख सकते हो, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे देख लो, यहाँ एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ हमने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है ना, यहाँ हमने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यही क्या है, एक क्लोज लूप है, और इसमें करंट जो है क्या है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ जब आप देखोगे तो एरिया जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, यदि देखो हम ऐसे सोचें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, यदि हम ऐसे सोच लें कि यहाँ इस टाइप का कुछ है, ये वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ, जेड एक्सिस। तो यहाँ जो बी होगा, बी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने क्या माना है, बी नट मान लिया है। तो बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी नट इंटू क्या लिखेंगे, माइनस के। अब आई आप देखोगे इस केस में, आई का एम का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या, आउट है, करंट के डायरेक्शन में रखो, कर्ल करो, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। एम का भी डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ एम जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस आई, इसका आई क्या होगा, आई ए इंटू क्या होगा, के कैप। अब यहाँ जब टॉर्क ऑन द लूप लिखोगे, टॉर्क ऑन द लूप इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो गया, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, क्या होगा, एंटी पैरेलल हो गया है ना, क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। उसी तरह आप दूसरे केस में देख सकते हो,
दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल, आई मीन ये फिगर फर्स्ट कंसिडर कर लो। यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, सेम लूप कंसिडर। लूप किसी भी शेप का हो इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ अब हमने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कंसिडर है ना, क्या किया। तो देखो यहाँ m वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, m जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड हो गया। तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे, चलो m नॉट k कैप ले लिया है ना। b का भी डायरेक्शन क्या है, b इज इक्वल टू क्या है, b नॉट इनटू क्या है, k कैप है। तो टॉर्क ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ देखो m इज पैरेलल टू क्या हो गया, b हो गया। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टॉर्क ऑन द लूप क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कि व्हेन एवर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, करंट कैरिंग लूप, द नेट मैग्नेटिक, द नेट टॉर्क ऑन द लूप विल बी क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया बात, समझ में आया कि जब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, लूप के क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा है ना। तो करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप पे, आई मीन क्लोज लूप पे क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहां मिनिमम जो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि टॉर्क मीन, आई मीन हम लिख सकते हैं यहां टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा, मीन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये केवल लूप के लिए है रिजल्ट है ना, अदरवाइज आपको मालूम है कि टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है यार। तो क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अलोंग द सरफेस या पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द क्या होगा, लूप, देन टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे देखो, तो हम यहां लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट में कि क्या होगा, व्हेन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल पैरेलल टू द प्लेन प्लेन ऑफ द क्या होगा, करंट करंट कैरिंग लूप, देन देन टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द क्या होगा, लूप विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। एंड ए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा, मैक्स कितना हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ क्यों हो जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यार, है ना, और यही क्या है, करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म। इस केस में यही मान लो करंट क्या है, यहां देखोगे तो m का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। अगेन इसको क्या करो, x एक्सिस मान लो यार, और इसको y एक्सिस और ये z एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहां यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b इज इक्वल टू b नॉट इनटू क्या होगा, i कैप हो जाएगा यार। और एरिया वेक्टर देखोगे तो m का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, m का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, प्लस k कैप होगा। तो m का डायरेक्शन जो होगा n i a, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, दोनों जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यार, वन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टॉर्क, डायरेक्शन भी यहाँ लिख सकते हो, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क ऑन द लूप इज इक्वल टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो एम क्रॉस क्या लिखोगे, बी है ना। और यहाँ देखो आई और जे के बीच, आई और के बीच एंगल कितना होगा,
90 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई जो होगा वो क्या होगा, जे हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी नट एन आई ए क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई, ठीक है। तो टॉर्क ऑन द क्या होगा, लूप। और मैग्नीट्यूड देखोगे तो टॉर्क ऑन द क्या होगा, लूप का जो मैग्नीट्यूड होगा बी नट एन आई क्या होगा, ए, ठीक है। तो इस केस में जो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपको मालूम है कि टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। साइन थीटा जब वन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि टॉर्क का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि वेन एवर क्या होगा, वेन एवर, अब देखो यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ टॉर्क क्या है, जीरो नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि जीरो था, है ना, टॉर्क। जब भी क्या होगा, किसी भी क्लोज लूप को, करंट कैरिंग क्लोज लूप को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर यहाँ देखो टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पहले वाले केस में क्या था, टॉर्क जीरो था। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन, सिचुएशन पे क्या होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक लिख सकते हैं कि टॉर्क का जो मैक्सिमम, आई मीन टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा, टॉर्क ऑन द लूप का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, एम बी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, जी, है ना, ये चीज याद रखना। तो यहां मैं नोट में एक और पॉइंट लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि इफ क्या होगा, इफ व्हेन एवर क्या होगा, व्हेन 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 ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग क्लोज लूप, क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, ये पूछा जाएगा एडवांस का भी एग्जाम होगा तो उसमें, या मेंस में, देन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन देन ई में क्या होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज, ऑलवेज बी में क्या होगा, नेट टॉर्क, देन टॉर्क ऑन द क्या होगा, ऑन द लूप में, और क्या होगा, में नॉट बी जीरो, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा, टॉर्क ऑन द लूप में और में नॉट बी जीरो, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन या लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द क्या होगा, लूप इन द फील्ड, ठीक है। ये ध्यान देना है कि टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फोर्स ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। फोर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब यदि ये दिया हुआ हो, ठीक है, तो यहां अगला पॉइंट क्या है कि इफ क्या होगा, इफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, बी वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, बी जेड, ठीक है ना। और ए जो होगा वो क्या होगा, ए विल बी क्या होगा, अब ये देखो यहाँ ए का जो डायरेक्शन होगा, इसको इसको हम नहीं भी लिखे, ए का जो डायरेक्शन होगा इधर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है, क्योंकि लूप है यार, है ना, क्या है, लूप है। तो और एरिया का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा,
परपेंडिकुलर, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं लूप, हो सकता है कि हमने क्या किया है लूप को ऐसे भी रख दिया, तो हम यहाँ मान लेते हैं, है ना, बाद में आप देख लेना इफ ई एंड क्या मान रहे हैं एंड एम इक्वल टू, मैं लिख देता हूं एम एक्स आई कैप प्लस क्या होगा एम वाई जे कैप प्लस क्या होगा एम जेड के कैप नहीं होगा, दो हो सकता है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हो सकता है, जैसे लूप क्या हो इंक्लाइन होता, तो हम लिख सकते हैं देन देन क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा एम क्रॉस क्या हो जाएगा बी, और ये आपको मालूम है कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहां से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूं और उसके बाद आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया इफ, तो यहां लिख सकते हैं टॉर्क ऑन द क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप इज इक्वल टू क्या होगा आई कैप जी कैप क्या होगा के कैप एम क्रॉस बी, तो एम एक्स एम वाई और क्या होगा एम जेड बी एक्स बी वाई क्या हो जाएगा बी जेड, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, क्या हो सकता है टॉर्क जो होगा किसी भी लूप पे क्या होगा करंट, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो भी हो सकता है और क्या होगा नॉन जीरो भी होगा। अब क्या होगा कि जब क्या होगा, अब हम जब पढ़े थे कहाँ पढ़े थे, वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे थे, तो हमने देखा था कि वो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन दो तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि टॉर्क क्या हो गया जीरो हो गया, क्या हो गया टॉर्क जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा, तो टॉर्क जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होंगे, एक क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम क्या देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बाद में हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि टॉर्क कोई भी करंट कैरिंग लूप को रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी क्या होगा कि अब हमने देखा था कि क्या होगा कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसको हम क्या चीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। आई मीन देखो यहां से ध्यान से कि हम उसको कैसे सोचें क्योंकि यहां उसकी जरूरत होगी। अब क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि जब क्या होगा टॉर्क जीरो होगा तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि मैग्नेटिक डाइपोल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो क्या होगा मैक्सिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। तो जब मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड होगा तो क्या होगा उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी, तो अगला जो पॉइंट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक विथ मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ लिखेंगे विथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग लूप, और इसी को हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल
मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग लूप या क्वाइल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। क्योंकि अभी जो हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं वही रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, बार मैग्नेट के लिए भी क्या होगा, वैलिड होगा। यही बार मैग्नेट वहाँ, और आसानी वहाँ ये रिजल्ट जो है हम आसानी से एम क्रॉस बी जो आता है वो आसानी से दो स्टेप में हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग लूप दैट इज क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब देखो यहाँ क्या है, ऐसे पहले देखो कि हम यहाँ इसको क्या सोचेंगे, यही क्या है करंट कैरिंग क्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब आप ड्रॉ करोगे, देखो ये ऐसे इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ क्या होगा, यही एक्सिस ऑफ द क्या है, डाइपोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा कुछ ऐसे, ठीक है, क्या होगा कुछ ऐसे, ऐसे ही क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसे आएंगे मैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या होगा मैग्नेटिक। तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा साउथ पोल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट बार मैग्नेट से हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जिसका एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ और दूसरा क्या होता है, इसको हम ऐसे सोचेंगे, यही क्या हो गया बार मैग्नेट, इसको इक्विवेलेंट क्या करते हैं, बार मैग्नेट से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। दिस इज नथिंग बट द बार मैग्नेट, मैग्नेट जो इधर क्या होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा साउथ पोल। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, यदि इसका नंबर ऑफ टर्न क्या एन है, करंट आई है, तो एन आई क्या होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे लिखते हैं, वो बाद में पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड मैं बाद में बताऊंगा कि एक क्या होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट होता है और एक क्या होता है ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो लेंथ दिख रहा है इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो कुछ रिलेशन आता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड क्या होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है 0.86 होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसको भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम। ठीक है, ये ध्यान देना है कि क्या होगा बार में। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या होगा कि अफकोर्स क्या होगा कि करंट कैरिंग लूप को आप क्या करोगे, एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन जब आप रोटेट करोगे, ओरिएंटेशन चेंज करोगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वही वर्क जो होगा वो क्या होगा, वही वर्क जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, एसोसिएट होता है। पहले ये आपको समझना है। अब वर्क डन देखो, तो वर्क डन वाइल रोटेटिंग क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन कितना होगा आपको मालूम है, वर्क डन वाइल रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू। इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्क डन वाइल रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा वन एंगल टू क्या होगा थीटा टू। आपको समझ में, आप देखो थीटा वन थीटा टू क्या है, टॉर्क, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क के द्वारा थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू टाव क्या होगा डी थीटा, क्या होगा टाव डी थीटा होता है, यही होता है ना। ये क्या है, वर्क डन वाइल रोटेटिंग, दिस इज क्या होगा वर्क डन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्क
डन इन रोटेटिंग द क्या होगा लूप करंट कैरिंग लूप फ्रॉम थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू। ठीक है, अब यहां इसको लिख सकते हो, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, यही होगा ना यार, है ना, क्या होगा यही होगा। लूप को एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में रोटेट करने के लिए काम टॉर्क के द्वारा वर्क कैसे निकालते हैं यार, टाउ डी थीटा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखोगे उसके बाद हम यहां लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि W थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये अब यहां तक एम बी साइन थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एम बी, क्योंकि बी यूनिफॉर्म है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा, थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू। अब इसको और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो डब्ल्यू थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एम बी, क्या लिख सकते हैं कॉस साइन थीटा का क्या होगा यार कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा वन टू क्या होगा थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा। अब हम लिख सकते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम बी, है ना, कॉस थीटा टू माइनस क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो कि क्या होगा W थीटा वन टू क्या होगा थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा एम बी, है ना, कॉस थीटा वन माइनस क्या होगा कॉस थीटा। दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाद में हम देखेंगे। ये भी पूछा जाता है डाइपोल से, सब इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोरिलेट करोगे तो सारे रिजल्ट तुमको आसान होंगे। ठीक है, ये क्या होगा वर्क डन वाइल रोटेटिंग या वर्क डन इन रोटेटिंग द करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम थीटा वन एंगल टू थीटा टू एंगल इज इक्वल टू क्या होगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू। ये भी पूछा जाता है, इसको भी। अब देखो आप देखोगे कि ये डायग्राम जो है, देखो ये क्या है, यही क्या है, ऐसे पहले क्या है लूप ऐसे रखा गया, देखो यहाँ से ऐसे एक करंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यार ऐसे है, है ना, ये बी का डायरेक्शन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यदि आप लूप का डायरेक्ट एंगल ये देखोगे क्या, तो यही क्या हो गया दिस इज क्या होगा थीटा वन, ये इनिशियल ओरिएंटेशन हो गया, है ना, ये एम का डायरेक्शन हो गया, तो इनिशियल इनिशियल पोजिशन अब दलू, फाइनल पोजीशन क्या है थीटा वन है यार, मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है कॉन्स्टेंट ही है, आई मीन यूनिफॉर्म है। अब हमने क्या किया लूप को कुछ इस एंगल पे कर दिया ऐसे, अब ये जो एंगल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा एम, ये एंगल क्या होगा थीटा वन। ठीक है, बाद में हम इसको इनिशियल टू फाइनल लिख देंगे, तो ये क्या होगा फाइनल पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन से इस, यही क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये वाला वर्क है ना। तो ये कभी पूछा जाता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करने में आपको करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक डाइपोल, हमेशा याद रखना करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक डाइपोल दोनों सेम चीज है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को
रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये एग्जांपल आपसे पूछा जाता है। तो यही हुआ कि यहाँ से यहाँ रोटेट करने में अपने को काम कितना पड़ा करना पड़ा एक। अब यहाँ मुझे बेसिकली क्या डिफाइन करना है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, है ना, जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसे सोचो कि इफ क्या हो जाए, इफ अब यहां देखो क्या होगा, ऐसे देखो, इफ थीटा इक्वल टू क्या है, ऐसे ये लूप देखो, ये क्या है, यहां ये एम का डायरेक्शन है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है। है ना, ए इनिशियल पोजिशन, आई मीन लूप ऐसे रखा गया है, ठीक है, ये थीटा, यहां थीटा क्या होगा देख सकते हो, थीटा क्या होगा यहां 90 डिग्री, थीटा वन इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और यहां अब लूप को हमने क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया ऐसे, यहां जो थीटा हो यही थीटा, ये एम का डायरेक्शन होगा यार, मैंने मान लिया, और ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा, तो यहां थीटा टू इक्वल टू क्या हो गया थीटा, ठीक है, तो यही क्या होगा, दिस इज करंट कैरिंग लूप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है उसमें रखा गया है, है ना, अब ऐसे हमने कर दिया यार, है ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, यदि इनिशियल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है और ये ऐसे लूप है, अब हम थोड़ा टिल्ड कर देंगे यार, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, एंगल क्या हो जाएगा, चेंज, तो यहाँ क्या है, ये फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, देखना ध्यान से कि हम मैं क्या बता रहा हूँ, अब हमने लिखा यहाँ कि इस केस में क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, आई मीन थीटा वन, और यहाँ थीटा टू इक्वल टू क्या है यार, थीटा डिग्री, यही है ना, थीटा ऑलवेज क्या है, एंगल बिटवीन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, याद रखना है, इधर भी है, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिख सकते हैं W वर्क डन वाइल रोटेटिंग फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो एम बी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस कॉस क्या होगा थीटा, तो दिस इज नथिंग बट द 90 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एम बी क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद क्या होगा, आई मीन वर्क डन वाइल रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टू क्या होगा थीटा डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक डाइपोल, तो किसी भी डाइपोल को क्या है 90 डिग्री से थीटा डिग्री रोटेट करने में है ना जितना क्या है वर्क करना पड़ता है वही जो वर्क होता है क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या है कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, तो दिस इज क्या होगा, अब देखो ये क्या हुआ रेफरेंस लेवल हो गया है ना, ये क्या हुआ रेफरेंस लेवल, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा माइनस एम बी क्या होगा कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू इक्वल टू माइनस एम डॉट क्या लिख सकते हैं, ठीक है ये पढ़े हो याद करना इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही रिजल्ट, दिस इज क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल आई मीन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम एंड दिस इज बी एंड दिस इंडिकेट द डॉट, तो क्या होगा निगेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर इज कॉल्ड
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल। ठीक है, तो यहां से देखो कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला अपने को, ये मिला है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो मैग्नेटिक क्या जो करंट कैरिंग लूप होता है उसका पोजीशन जो होगा या कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं वो स्टेबल भी होगा और अनस्टेबल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम द पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल विल बी दैट कॉन्फ़िगरेशन एंड वाइस वर्सा। जितना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा उतना ही कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, एक तो वर्क वाला फॉर्मूला, यहाँ से भी देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ यही पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अभी हम टॉर्क के बारे में पढ़े, सॉरी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, यही मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, U इक्वल टू माइनस एम डॉट क्या होगा, बी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो यहां से लिख सकता हूं, नाउ UI क्या होगा, UI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा आई यू, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा एफ, है ना। ठीक है, अब पूछा जाए कि वर्क डन, देखो यहां ध्यान से, वर्क डन by external force while work done by external force in rotating from theta i to kya hoga theta f, theta i, theta kya hai, angle between b and m, work done by external force in rotating from theta i to theta f is equal to क्या होगा, तो यहां लिख देता हूं W external is equal to क्या होगा UF minus क्या होगा UI। हमेशा याद रखना है कि work done is equal to क्या होगा, final potential energy minus क्या होता है, initial potential energy। यदि question में mention नहीं हो कि किसके द्वारा work निकालना है तो हम कौन सा consider करते हैं, work done by external force। तो यहां से आप देख सकते हो वही result आएगा जो मैंने बताया था, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है तो जनरली हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल, तो ये ध्यान देना है। और क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे तो हम यहाँ एक ही बार लिख देते हैं कि वर्क डन बाय द क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से लिख सकते हैं वर्क डन बाय क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स या टॉर्क। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू आई माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू आई माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, माइनस एम बी, इस पे हम आते हैं पहले। अब देखो जैसे कि एग्जांपल देख लो कि यहां अभी क्या है, देखो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनिशियल, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे लूप पे क्या है, परपेंडिकुलर है यात्रा, और मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही, ये एम का डायरेक्शन हुआ है ना, और ये बी का डायरेक्शन। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो ऐसे इसमें फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया, देखो ध्यान से,
आई मीन मैग्नेटिक मोमेंट. फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. अब यहां से इस कॉन्फ़िगरेशन लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखो यहां यू आई लिखो यार, यू आई यही होगा ना, यू आई, यू आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम डॉट बी, यही होगा ना यार. तो माइनस माइनस एम बी हो जाएगा, है ना. यहां देखो यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए तो वर्क डन सिंपल मैं लिख सकता हूं यहां, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यू आई. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई मीन जीरो माइनस अब क्या हो जाएगा, माइनस एम बी. और ये कितना हो जाएगा, प्लस इस केस में जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है. ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है. उसी तरह यहां देखो दूसरा एक एग्जांपल देख लो. देखो ये क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है. ऐसे यही क्या है, यूनिफॉर्म है ना. ये बी है और यहां ए का जो डायरेक्शन है आई मीन एम का जो भी डायरेक्शन है वो क्या है. तो ये इनिशियल यहां यू, देखो इस केस में मैं सब लिखते हैं. यहां टॉर्क कोई पूछे तो क्या होगा, देखो टॉर्क लिख लो. टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी. तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, टॉर्क क्या हो गया, जीरो. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है. यहाँ देखोगे इस केस में अगेन क्या होगा, यू आई जो होगा वो क्या होगा, माइनस एम बी, ठीक है. टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा. अब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर रही है क्या होगा, दूसरा देखो. अब ऐसे हो गया यार, अब यहां मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, इधर इधर बी का डायरेक्शन है ना. ये क्या है, लूप है. तो यहां ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन. यहां देखो इस केस में समझ में आया ना कि ये जो है क्या है, यहाँ एम और बी क्या हो गया, एनडी पैरेलल हो गया. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यू एफ जो होगा वो क्या होगा, प्लस एम बी होगा. और टॉर्क यहाँ भी क्या है, जीरो है, ठीक है. तो इस केस में इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है. तो अगेन हम लिख देखते हैं फर्स्ट केस आई मीन सेकंड केस में वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन वन टू कॉन्फ़िगरेशन टू आई मीन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल. तो वर्क डन कितना होगा, अगेन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, यू एफ माइनस क्या हो जाएगा, यू आई. और यू एफ क्या है, प्लस एम बी माइनस ऑफ माइनस एम बी, ठीक है. माइनस माइनस से क्या हो जाए, प्लस टू. दिस इज नथिंग बट द वर्क, क्या है, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन. तो ऐसे हम क्या करते हैं, वर्क डन, जब भी वर्क डन निकालना हो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो यार, उसके बाद क्या करो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो. और वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां क्या होगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल या करंट कैरिंग लूप जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम दो तरह के होंगे, क्या होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब दूसरे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो हम वहां आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कभी कभी भी पूछा जाता है. तो ये समझ में आया ना.
कि क्या होगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप मोर स्टेबल विल बी द क्या होगा लूप एंड वाइस वर्सा। तो इक्विलिब्रियम यहां मैं लिख देता हूं, देखो कंडीशन। तो यहां एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा MB जो होगा वो क्या कहां से लाइक कर सकते हैं, देखो U का जो वैल्यू होगा U इज लेस देन क्या होगा प्लस MB एंड ग्रेटर देन क्या होगा माइनस MB, ठीक है। U क्या है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और टॉर्क जो होगा वो क्या होगा MB और मिनिमम वैल्यू क्या होगा जीरो, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट और देखना है, हाँ तो क्या है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या हाँ कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फॉर ए करंट कैरिंग लूप, और क्या लिख रहा हूं मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये ध्यान देना। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, हम यहां बोल सकते हैं कि क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल और करंट कैरिंग लूप विल बी क्या होगा इन इक्विलिब्रियम जब क्या होगा नेट टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप, क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप मस्ट बी क्या होगा जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा, ये याद रखना। अब क्या होगा कि दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या होगा इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा दो तरह के होंगे, इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा एक कौन सा इक्विलिब्रियम है यार, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो ऑलवेज रहेगा क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे या बार मैग्नेट को रख दो तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा। हम पढ़े देखो जो हम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा दो होगा, ये क्या होगा स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या होता है अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पहला पॉइंट क्या होगा देखो पहले दोनों में क्या होगा टॉर्क ऑन द क्या होगा लूप क्या होगा जीरो होगा, ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी यू मस्ट बी क्या होना चाहिए मस्ट बी मिनिमम, ठीक है मिनिमम जितना। यहां क्या होगा इस केस में भी क्या होगा टॉर्क जो होगा वो क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा जीरो होगा, इसमें क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यू मस्ट बी क्या होना चाहिए ठीक है। तो जितना क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब जैसे जैसे क्या होगा एंगल जैसे जैसे थीटा क्या होगा बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जब देखो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा क्या होगा डाइपोल का, जब क्या होगा डाइपोल विल बी हम क्या बोल सकते हैं कि विल बी
स्टेबल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन एम एंड बी विल बी क्या होगा पैरेलल। तो यहां हम क्या बोलेंगे, और एक होता है इक्विलिब्रियम है ना, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि कोई चीज चेंज नहीं होता है, तो हम स्टेबल अनस्टेबल की ही बात कर रहे हैं। आई मीन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यहां नहीं पढ़ना है ना, वो हम लोग कहां पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन में पढ़े, सॉरी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़े थे। यहां क्या होगा स्टेबल और अनस्टेबल में, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहां बोल सकते हैं कि फॉर क्या होगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे भी लिख सकते हैं एज, देखो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा माइनस एम बी, और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा है ना, और ये क्या होगा एम बी साइन थीटा, यही होता है ना टॉर्क ऑन द लूप। यहां देखोगे कि जैसे थीटा बढ़ाओगे एज क्या होगा, एज देखो एज थीटा इंक्रीजेस क्या होगा ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा, एज थीटा इंक्रीजेस यू क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। और क्यों, क्योंकि जीरो पे क्या है सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं है सॉरी मिनिमम है, जीरो पे क्या है मिनिमम है ना। और जैसे ही आप थीटा बढ़ा रहे हो वैसे क्या होगा, क्या होगा एज क्या होगा थीटा इंक्रीजेस यू इंक्रीजेस एंड हेंस क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल आई मीन डाइपोल या करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डिक्रीजेस। तो एज थीटा इंक्रीजेस यू क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। टॉर्क जो होगा क्या होगा टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा इंक्रीजेस एंड हेंस क्या होगा हेंस स्टेबिलिटी ऑफ करंट कैरिंग लूप डिक्रीजेस एंड वाई से वर्स एंड वाई से क्या होगा वाई से वर्स ये याद रखना, ठीक है ये ध्यान में रखना है। जैसे देखो यहाँ इस केस में देखो क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि लूप विल बी क्या होगा इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे लूप विल बी फॉर यहाँ लिख देते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा टॉर्च होगा वो क्या होगा देखो तो ध्यान से क्या होगा सॉरी ये क्या होगा एम मस्ट बी क्या होना चाहिए पैरेलल टू क्या होना चाहिए बी सो दैट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है। और जब क्या होगा अनस्टेबल होगा तो यहाँ लिख सकते हो कि इसके कब अनस्टेबल होगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा जब क्या होगा फॉर क्या होगा हाईली अनस्टेबल है ना अनस्टेबल, ठीक है। क्या होना चाहिए यू क्या होना चाहिए मैक्स होना चाहिए, और ये पॉसिबल तब है दिस इज पॉसिबल ओनली क्या होगा व्हेन क्या होगा एम इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा बी, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि डाइपोल को क्या करोगे तुम छोड़ दोगे है ना, एक यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ए यहाँ ए क्या होगा कि जब आप क्या करोगे थोड़ा सा इसको क्या करोगे टिल्ड करके छोड़ दोगे तो क्या होगा ऑसिलेट होता है, और कभी कभी क्या है टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ेंगे, अभी मैं रिजल्ट लिख देता हूँ आपको, मैं प्रूव कराऊंगा वहाँ जब बार मैग्नेट हम पढ़ेंगे तो कहाँ जब बार मैग्नेट पढ़ेंगे तो ये रिजल्ट मैं बताऊँ। तो ये याद रखना है कि अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस एम डॉट बी, टॉर्क क्या होता है टॉर्क क्या होगा एम क्रॉस बी है ना, तो ये आपको ध्यान में। अब यहाँ एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसको बाद में मैं प्रूव करूंगा जब हम
बार मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा कि टाइम पीरियड है ना ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, दोनों लिख देते हैं, या टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ऐसे टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि देखो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, है ना, यहां क्या होगा टाइम पीरियड, ये मोशन जो होता है सिंपल हार्मोनिक, देखो टाइम पीरियड तुम लोग जानते हो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है आई अपॉन, क्या होगा आई अपॉन क्या होगा एम बी, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आगे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, दिस इज तो तुमको मालूम ही है, तो ये ध्यान रखना, ये कभी कभी यदि जरूरत हो नहीं तो बार मैग्नेट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये पॉइंट तुमको क्या होगा मिलेगा, है ना, क्या होगा इस पॉइंट को हम क्या करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी क्या होगा करंट कैरिंग लूप को क्या करोगे रखोगे तो उस पर क्या होगा फोर्स जीरो, सॉरी फोर्स ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और क्या होगा नहीं भी हो सकता है, क्या हो सकता है हो भी सकता है और क्या होगा नहीं भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी यही सिचुएशन है, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या है यही सिचुएशन है, ठीक है, कि यदि क्या करोगे आप जैसे सिंपल मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से, तो जैसे कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट, हम लिखेंगे क्या होगा यहाँ, अब मैं दूसरा इसमें पॉइंट लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक टॉर्क ऑन क्या होगा करंट कैरिंग लूप प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरा जो टाइप है क्या है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे देखो देखो यही क्या है ये करंट कैरिंग क्या है इस केस में हम दोनों देख लेंगे, यही क्या है इसमें करंट क्या है आई फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर पे एक क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या है वायर है वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग क्या होगा कैरिंग वायर, ठीक है, यहां तुमसे पूछा जाए कि इस पे क्या करो टॉर्क कैलकुलेट करो, तो देखो यहां क्या है इस केस में पहले फोर्स हम देख लेते हैं, फोर्स क्या होगा यार जीरो होगा, क्या बता सकते हो फोर्स लूप पे क्या लगेगा जीरो लगेगा, कोई डाउट नहीं है ना यार, इसमें फोर्स क्या होगा जीरो लगेगा, अरे इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके द्वारा ऑलवेज क्या होगा टेंजेंशियल होगा, तो यहां हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है F on the क्या है लूप मस्ट भी क्या होगा जीरो होगा, ये बता चुका हूं मैं, है ना, टॉर्क जो टॉर्क देखोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा इस प्लेन में लाई करेगा और एरिया वेक्टर क्या होगा ऐसे होगा, तो टॉर्क जो होगा यहाँ क्या होगा इस केस में टॉर्क क्या होगा जिसे टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा यार जीरो नहीं होगा, ये समझ में आया ना तुमको, अरे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड
अलोंग द क्या होगा, अलोंग द लूप होगा क्या, है ना, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द लूप होगा, कोई डाउट नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होगा अलोंग द लूप होगा, तो यहाँ, और ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन क्या है, इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि आप ऐसे लिख लो तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन बी ड्यू टू क्या है, ड्यू टू है ना, ड्यू टू वायर, ड्यू टू क्या होगा आई वन एट ईच एंड, क्या होगा एवरी पॉइंट ऑफ द क्या है लूप इज क्या होगा अलोंग, अलोंग द लूप व्हाइल क्या है, व्हाइल व्हाइल बी व्हाइल एम इज क्या होगा परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, व्हाइल एम इज अलोंग लिख देता हूं अलोंग आई वन, देखो आई वन ऐसे ही एम का डायरेक्शन होगा यार, एम का भी डायरेक्शन क्या होगा, यहां डायरेक्ट लिख सकते हो एम। इस केस में क्या होगा, टॉर्क जो यहां होगा वो क्या होगा जीरो नहीं होगा। टॉर्क बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है, टॉर्क आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे बता सकते हो, चलो इसको ट्राई कर लेना, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं, इसको कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। इसका रेडियस क्या होगा आर होगा, है ना, ये करंट क्या है आई वन है, ये आई है इसमें, और इसका रेडियस क्या है आर है, ठीक है। तो आपको यहां क्या होगा टॉर्क जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, टॉर्क क्या होगा जीरो नहीं होगा, क्या है टॉर्क यहां व्हाइल एम इज क्या होगा अलोंग आई वन, हेंस हेंस क्या होगा हेंस 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 टॉर्क ऑन द क्या होगा लूप नट विल बी जीरो, ठीक है। ये टॉर्क कितना होगा ये थोड़ा कैलकुलेट करके बताना, कैसे कैलकुलेट करोगे, छोटा एलिमेंट कंसीडर करो उस पे फोर्स लिखो और फिर फोर्स लिख करके उसका टॉर्क लिखो, ठीक है। यहाँ नेट फोर्स क्या है जीरो है, ये आपको समझ में आया, क्योंकि आई डी एल क्रॉस बी होता है फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क क्या है जीरो नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ, फिर तुमको समझ में आएगा कि हमने क्या किया, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, यहाँ एक क्लोज लूप रख दिया किसी भी शेप का, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ देखोगे तो ये क्या होगा, देखो इसका यदि M का डायरेक्शन देखोगे आप, है ना, अब इसमें M का डायरेक्शन देखोगे तो आप क्या करोगे, इसमें इसमें टॉर्क भी लिख सकते हो आसानी से। अब यहाँ जो हम एरिया लिखेंगे या क्या लिखेंगे डिफरेंशियल पार्ट में क्या करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट लिख करके हम क्या करें? तो यहाँ देखो B का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ कहीं भी इधर B का डायरेक्शन क्या होगा, और M का जो डायरेक्शन होगा M वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, समझ में आया ना। ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनटू द क्या है बोर्ड है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट भी सॉरी यहाँ इनटू द बोर्ड होगा। तो यहाँ M एंड B जो हो गया वो क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो टॉर्क ऑन द लूप क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है टॉर्क क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप M क्रॉस B बोले थे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप यूज करोगे लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो जस्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब भी क्या होगा देखो तुम क्या करोगे इस पे और इस पे फोर्स क्या हो जाएगा एक दूसरे को क्या होगा बैलेंस करेगा। कोई भी एक्सिस कंसीडर कर लो और क्या करो टॉर्क लिख डालो, तो जैसे मान लो कि हमने क्या किया यही एक्सिस हुआ यार इसी के अबाउट टॉर्क लिख डालो यार, ठीक है। तो देखो इस पे फोर्स किधर लगेगा ऊपर लगेगा
इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे, इस पे फोर्स इधर, और इस पे क्या होगा, फोर्स इधर। तो सभी जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके एक्सिस से क्या होंगे, पास करेंगे। समझ में आया ना, सभी जो फोर्स होंगे ये क्या होगा, इसके एक्सिस से पास होगा, ये फोर्स इसके एक्सिस से पास होगा, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि व्हेन एवर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू क्या होगा, गिवन पॉइंट, देन द टॉर्क ऑफ दैट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट विल बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, टॉर्क जीरो है, लेकिन यहाँ क्या है, फोर्स देखोगे तो इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि फोर्स ऑन द लूप जो होगा ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो दो पॉइंट याद रखना है कि व्हेन एवर क्या होगा, ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, फोर्स मे, फोर्स ऑन द लूप क्या होगा, फोर्स एंड टॉर्क ऑन द लूप क्या होगा, मे और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एक पॉइंट याद रख लेना, नोट में लिख लो इसको, है ना, कि व्हेन व्हेन एवर ए करंट करंट कैरिंग लूप लूप इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा, फोर्स ऑन द लूप मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, टॉर्क ऑन द क्या होगा, ऑन द लूप मे और क्या होगा, मे नॉट बी जीरो, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है, टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक कल भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था, ये आईआईटी का आया अभी है, याद आया, यहाँ एक क्या है सेंटर पे, और ऐसे मैंने दो आर्क कंसीडर किए थे, ऐसे याद आया क्या ये क्वेश्चन, है ना, ये आया होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था। इस केस में यहाँ ये आई वन है और ये क्या है आई टू है, इस केस में देखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ फोर्स क्या होगा, जीरो हो रहा है, लेकिन नेट टॉर्क क्या होगा, सॉरी हाँ फोर्स जीरो हो रहा है लेकिन नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना, इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बताया था इसके पहले वाले में, जब डाउट सेशन में पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि कोई भी यदि चार्ज है, कोई भी चार्ज बॉडी है और उस पर यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यदि वो रोटेट होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस्ड होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, आई मीन हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज बॉडी, है ना, उसके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।